नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। आज से खुलने लगेंगे हिंसाग्रस्त क्षेत्र के सभी बाजार। पुलिस के भारी सुरक्षा इंतजाम अभी भी जारी। पूरे क्षेत्र पर है पुलिस की नजर। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों का भी हो रहा है इस्तेमाल। सभी दलों ने की शांति और सद्भाव कायम करने की अपील। उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने वाली CBSE की परीक्षाएं आज भी रहेंगी स्थगित। 10वीं और 12वीं की होनी थी बोर्ड परीक्षाएं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फैले तनाव को लेकर CBSE ने परीक्षाएं स्थगित करने का लिया फैसला। नोटिस जारी कर सभी को दी जानकारी। परीक्षा की नई तारीख का जल्द ही होगा ऐलान। कर्नाटक में दिए भड़काऊ बयान को लेकर आज AIMIM के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने की पेशी। कलबुर्गी पुलिस ने वारिस पठान को जारी किया नोटिस। पार्टी ने भी वारिस पठान के बयान को बताया गलत। पेशी के दौरान वारिस पठान दर्ज कराएंगे अपना बयान। 16 फरवरी को दिया था वारिस पठान ने विवादित बयान। आज चित्रकूट जाएंगे PM नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। 4 लेनों के साथ 296 किलोमीटर का होगा एक्सप्रेसवे। करीब 15,000 करोड़ की आएगी लागत। बुंदेलखंड को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। आज ही प्रयागराज में दिव्यांगों और बुजुर्गों को PM वितरित करेंगे उपकरण। शिविर में 19 करोड़ से अधिक मूल्य के 56,000 से ज्यादा उपकरण किए जाएंगे वितरित। 26,000 से ज्यादा दिव्यांगों को मिलेगा लाभ। आज अयोध्या आएंगे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। रामलला के दर्शन कर लेंगे परिसर का जायजा। ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। मंदिर निर्माण की कार्य योजना पर भी करेंगे चर्चा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने के आसार। आज छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल लेंगे राज्य कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री निवास में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सूबे के विकास को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा करेंगे CM बघेल। पहले कोरबा के सतरेंगा में होने वाली थी कैबिनेट की बैठक। आज से पुणे महानगर पालिका के कर्मचारियों पर हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने का नियम होगा लागू। राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किए थे निर्देश। कामकाजी दिन में 45 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे कर्मचारी। सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे कर्मचारी। आधे घंटे का होगा लंच ब्रेक। नियमों पर अमल करने के जारी किए गए निर्देश। निःशुल्क फास्टैग पाने का अंतिम दिन आज। वाहन मालिक फास्टैग विक्रेताओं और टोल प्लाजा पर गाड़ी की RC दिखाकर ले सकते हैं फास्टैग। 1 मार्च से फास्टैग लेने पर लगेगा ₹100 का शुल्क। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 से टोल शुल्क चुकाने के लिए फास्टैग की व्यवस्था कर दी थी अनिवार्य। इस साल मार्च से मई तक झुलसाएगी गर्मी। मौसम विभाग का अनुमान, पिछली बार की तुलना में 1.5% अधिक पड़ेगी गर्मी। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस दौरान सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया बढ़ती गर्मी की वजह। आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया। क्राइस्टचर्च में होगा मुकाबला। मैच से पहले ही ईशांत शर्मा की चोट ने बढ़ाई भारत की चिंता। टखने में चोट के चलते गेंदबाज ईशांत शर्मा हुए मैच से बाहर। ईशांत की जगह नवदीप सैनी को मिल सकता है मौका।